हमारी आँख में आंसू क्यों आते हैं? सो बेसिकली हमारी आँख के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, और टीयर्स को ड्रेन करने के लिए लैक्रिमल पंक्टास होते हैं जो कि हमारी आँख की आंसुओं के लिए ड्रेनेज सिस्टम का काम करते हैं। ये लैक्रिमल पंक्टास डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी नोज से। सो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत रोते हो तो आपकी आँख और नाक दोनों से पानी बहना शुरू हो जाता है। ये इसीलिए क्योंकि हमारा लैक्रिमल पंक्टा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी नोज से। लैक्रिमल ग्लैंड्स हर रोज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी आँख में आंसू प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आंसू में बेसिकली तीन चीज़ें होती है, प्योर वाटर, म्यूकस एंड ऑयल, जो कि हमारी आँख को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। हाउएवर जब हम बहुत ही ज़्यादा दुखी और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं या फिर हमारी आँख में इरिटेशंस होती है धूल मिट्टी घुसने की वजह से, सो ब्रेन डायरेक्टली सिग्नल्स भेजता है लैक्रिमल ग्लैंड्स को, और ये लैक्रिमल ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में टीयर्स प्रोड्यूस करने लगती है टू प्रोटेक्ट आर आइस, हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो लैक्रिमल पंक्टा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में टीयर्स को होल्ड नहीं कर पाता, ड्रेन नहीं कर पाता, इसीलिए एक्सेस टीयर्स हमारी आँख से बाहर आ जाते हैं। इसी को हम लोग रोना कहते हैं। बट अनियंस कट करते टाइम हमारी आँख से आंसू क्यों निकलते हैं? वेल, अनियंस के अंदर स्पेशल एंजाइम एमिनो एसिड सल्फोक्साइड्स होते हैं। सो जब भी हम अनियंस कट करते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स एंड एमिनो एसिड सल्फोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन सिंस प्रोपेंथाइल एक्स ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारी आँख में इरिटेशन होती है। सो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन डायरेक्टली सिग्नल भेजता है लैक्रिमल ग्लैंड्स को, और लैक्रिमल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टीयर्स प्रोड्यूस करने लगते हैं जो कि हमारे लैक्रिमल पंक्टास होल्ड नहीं कर पाते, ड्रेन नहीं कर पाते, इसीलिए आंसू आँख से बाहर आ जाते हैं। बेसिकली ये पूरा सिस्टम हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि धूल मिट्टी और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन के लिए।